मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करा दी थी, उसके कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसी एक्सरसाइज में आप लोगों ने अपनी कुछ क्वेरी मेरे पास सेंड की थी कि सर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व कर देना। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो भी आपकी क्वेरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3x3 का उसने हमें दे रखा है, ये उसने हमें जो क्वेश्चन दिया है 11 वो दे रखा है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। और उसने कहा है आव्यूह विधि से इस रैखिक समीकरण को सॉल्व कीजिए। सबसे पहली बात वही करेंगे जो बेसिक हमारा मेथड है, ax = bc, जहां a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू a = वही xyz के कोफिशिएंट, x का 2 y का 1 z का 1, सेकंड में x का 1 y का -2 z का -1, इसमें x का नहीं है मींस 0, y का 3 और z का -5। x की वैल्यू जो दे रखी है वो है आपकी xyz जो आपके वेरिएबल्स हैं, और b की वैल्यू है आपकी 1, 3/2 और 9। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए 2 के लिए ओपन करें, ये ड्रॉप दिस इनटू दिस 10, माइनस दिस इनटू दिस -3, तो -3 + 3। -1 के लिए ओपन करेंगे, ये ड्रॉप दिस इनटू दिस -5, माइनस दिस इनटू दिस 0। +1 के लिए ये ड्रॉप 3 - 0। डिटर्मिनेंट ए इक्वल कितना हो जाएगा, 26 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 3 इक्वल 34। ओके, डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 34 है, इज नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर देखेंगे, ए के सहखंड a11। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -1 की पावर वही r + c, नंबर ऑफ रो इंटू प्लस नंबर ऑफ कॉलम। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो r + c से भी कर सकते हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही सीक्वेंस आना है पूरे में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इससे भी कर सकते हैं हम। तो a11 के लिए ये ड्रॉप -2 - 1 - 3 - 5, -2 - 1 - 3 - 5, ये आपका हो जाएगा -k 10, -±+k 3 = -7। ओके, ये आपका +10 और ये -±+, दैट्स 30। a12 नेगेटिव, a12 के लिए ये ड्रॉप 1 - 1 - 0 - 5, 1 - 1 - 0 - 5, दैट्स नेगेटिव, -k 5 - 0, दैट्स पॉजिटिव 5। a13 फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, a13 के लिए ये ड्रॉप 1 - 2 - 0 - 3, 1 - 2 - 0 - 3, दैट्स 3 - 0, दैट्स 3। a21 के लिए फिर से नेगेटिव आ जाएगा, a21 के लिए ये ड्रॉप 1 - 1 - 3 - 5, 1 - 1 - 3 - 5, दैट्स नेगेटिव, -5 - 3, दैट्स पॉजिटिव 8। a22 फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, a22 के लिए
ये ड्रॉप 210-5 210-5 इक्वल माइनस का 10 माइनस 0 दैट्स माइनस का 10। A23 फिर से नेगेटिव। A23 के लिए ये ड्रॉप 2103 दैट्स नेगेटिव 6 माइनस 0 दैट्स नेगेटिव 6। ओके नोट करें आप इसे। A31 हमारा जो A31 के लिए फिर से पॉजिटिव। A31 के लिए ये ड्रॉप 1 माइनस का 2 माइनस का 1 दैट्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 दैट्स पॉजिटिव 1। A32 फिर से नेगेटिव आ जाएगा। A32 के लिए ये ड्रॉप 2 1 1 माइनस 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 3। A33 फिर से पॉजिटिव। A33 के लिए ये ड्रॉप 2 1 1 माइनस 2 A33 ये ड्रॉप 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा नेगेटिव 4 नेगेटिव 1 नेगेटिव 5। एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए इक्वल कितना हो जाएगा हमारा A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 13। A12 की वैल्यू कितनी है 5। A13 की वैल्यू कितनी है 3। A21 की वैल्यू कितनी है 8। A22 कितना है हमारा 10 नेगेटिव 10। ओके और A23 कितना है नेगेटिव 6। A31 हमारा कितना है पॉजिटिव 1। A32 3। A33 माइनस का 5 और इसका क्या ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए आ गया 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे हम ए इनवर्स। ओके पहले से नोट करें ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स इक्वल डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी हमारी 34 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है हमारी 13 8 1 5 माइनस का 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। नाउ क्या करेंगे ए एक्स इक्वल बी से एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। ओके करें इसे एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी एक्स वाई जेड इक्वल ए इनवर्स। इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 by 34, 5 by 34, 3 by 34, 8 by 34, minus 10 by 34, minus 6 by 34, 1 by 34, 3 by 34, minus का 5 by 34 into b की वैल्यू हमारी क्या थी 1, 3 by 2 and 9। ओके इसे नोट करें इसे फिर सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड इक्वल इसे सॉल्व करें पूरे कॉलम को उठाएंगे पूरी रो के साथ करेंगे 1 का 13 by 34 प्लस 1 का इसके साथ 3 by 2 का इसके साथ 3 by 2 का करेंगे 2 से ये 4 टाइम्स 3 से ये 12 by 34 प्लस
9 का इसके साथ 9y 34। ओके, अब ऐसे ही इस कॉलम का सेकंड रो के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो 5y 34। 3y2 के साथ में करेंगे, 3 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 15, माइनस का 15y 34। 9 के साथ करोगे, प्लस का 27y 34। ओके, थर्ड का करेंगे 3y 34। 3y2 का करेंगे तो 3y2 का करेंगे तो 3 से ये 3 टाइम, माइनस का 9y 34। और 9 के साथ में करेंगे तो माइनस का 45y 34। एक्स वाई जेड इक्वल, इसे सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 13 प्लस 12 25 25 प्लस 9, 34y 34। इसे करेंगे 27 प्लस 5 32, 32 माइनस का 15 17 बाई 34। इसे करेंगे 45 माइनस का 9, ये हो गए आपके 54 54, और प्लस का ये तो माइनस के 51 बाई 34 इक्वल। ये से कैंसिल 1 टाइम्स, ये से 2 टाइम्स, ये माइनस का 3 बाई 2। तो जो आपके आंसर हैं वो हो गए 1, वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई आपकी 1/2, और जो जेड की वैल्यू आ रही है वो आ गई आपकी माइनस के 3/2। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, और फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो फिर भी आप ग्रुप में सेंड कर दें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।